नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। बीते 24 घंटे में भारत में दर्ज किए गए रिकॉर्ड तोड़ मामले। भारत में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटे में कुल मिलाकर 29,429 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 582 लोगों की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 9,36,181 कोविड-19 के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 3,19,840 एक्टिव मामले। इस दौरान 5,92,032 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 24,309 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बेंगलुरु में 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। 14 जुलाई रात 8 बजे से यह प्रभावी हो चुका है, जो कि 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। सीबीएसई ने की 10वीं कक्षा के रिजल्ट की घोषणा। सीबीएसई ने अपने वादे अनुसार आज 10वीं कक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। पिछले साल के मुकाबले पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 0.36% की बढ़ोतरी देखी गई है। 91.46% छात्र इस साल परीक्षा में पास हो गए हैं। 99.28% के साथ निवेदन पहले स्थान पर काबिज हुए हैं। सीबीएसई के 16 जोन में सबसे निचले पायदान पर गुवाहाटी जोन रहा है। हालांकि कोविड-19 के इस माहौल में सीबीएसई ने इस साल अधिकतर छात्रों को पास कर दिया है। इसके बाद भी 7.35% छात्र को कंपार्टमेंट आई है। इनमें 10वीं कक्षा में पास करने के लिए फिर से परीक्षा देना होगा। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल कुल 87,651 छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा देनी है, जो कि 2019 के मुकाबले कम है। वहीं जिन छात्रों ने अब तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सियासी सरगर्मी के बीच पायलट ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को किया दरकिनार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बीते दिन पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। सभी पदों से हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की अटकलें भी सुबह से खबरों में सुनने आ रही थी। हालांकि उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। सचिन पायलट ने पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने के बाद न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा है कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को वापस लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। इससे पहले कांग्रेस ने मंगलवार को सख्त कदम उठाते हुए पायलट को मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, लेकिन फिलहाल उन्हें पार्टी से बाहर नहीं किया गया है, यानी कि पार्टी छोड़ने की औपचारिकता खुद ही उन्हें करनी होगी। जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मैं तो चुनाव जीतकर यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। अशोक गहलोत कौन होते हैं मुझे हटाने वाले। प्रवासी कामगारों को अक्टूबर तक 8,00,000 दिन का रोजगार देगी रेलवे। प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार मुहैया करवाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब रेल मंत्रालय की तरफ से प्रवासियों को काम देने के लिए अहम फैसला सुनाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि अक्टूबर 2020 तक 6 राज्यों में विभिन्न बुनियादी परियोजनाओं में 8,00,000 श्रम दिवस सृजित करेगा। यह पहला गरीब कल्याण रोजगार मुहिम होगा, जिसके तहत कोविड-19 के दौरान प्रवासी कामगारों को जीवन के अवसर मुहैया कराने के लिए योजना बनाई गई है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत प्रवासी कामगारों के लिए 31 अक्टूबर तक रेलवे 6 राज्यों के 116 जिले में 8,00,000 कार्य दिवस रोजगार सृजित करेगा, जिसमें से कुछ जिलों में इस दिशा में काम शुरू हो चुका है, जहां प्रवासी कामगारों में काम करना शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को इस अभियान की घोषणा की थी। देश में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाने की कही गई बात। कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में दोबारा से लॉकडाउन लगाने की खबर सामने आ रही थी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्टता जारी करते हुए साफ कह दिया है कि अब दोबारा से देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि राज्यों को माइक्रो स्तर पर लॉकडाउन का अधिकार दिया गया है। कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर देश में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। राज्यों के साथ कंटेनमेंट जोन पर फोकस बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा है कि राज्य सरकार को माइक्रो लॉकडाउन लगाने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि अगर किसी राज्य में किसी एक निश्चित इलाके या गांव या शहर में मामले तेजी से बढ़ते हैं तो वे उक्त इलाके में कुछ दिनों तक बंद लागू कर सकते हैं, जैसा मध्य प्रदेश में हर रविवार, उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार की नीति पर काम शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 से प्रभावित होने की आशंका के बिना ट्रेन में कर सकते हैं सफर। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण रेल के पहिए कुछ समय के लिए रोक दिए गए थे, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के दौर में कैसे सुरक्षित सफाई कराई जा सकती है और कैसे सुरक्षित सफर करवाया जा सकता है, इसे लेकर रेलवे कई तरह के प्रयास में जुट गया है। इसी कड़ी में रेलवे ने अब ऐसे रेल डिब्बे का इजाद किया है, जिसमें सफर के दौरान कोविड-19 के प्रकोप से बचा जा सकता है। इस कोच को यात्रियों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, इसे ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल छुए बिना ही किया जा सकता है। कोच में चढ़ने के लिए दरवाजा खोलने के लिए जो छिटकनी होती है उसे कॉपर कोटेड बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस कोच में प्लाज्मा एयर प्योरीफायर लगाया गया है, जो कोविड-19 के प्रकोप से बचाता है। सीट पर टाइटेनियम ड्राईऑक्साइड कोटिंग की गई है, जिससे यात्रियों के बैठने पर कोविड सीट पर नहीं फैलेगा। नेपाल के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाद किया एक और दावा। बीते दिन
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम का जन्म स्थल नेपाल में बताया था, जिसके बाद भारत से लेकर नेपाल तक के लोगों में अलग ही नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। वहीं अब इसके बाद पड़ोसी देश के विदेश मंत्री दो कदम आगे निकल गए हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई के बाद अब विदेश मंत्री प्रदीप ने दावा किया है कि रामायण पर रिसर्च के बाद इतिहास पूरी तरीके से बदल जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी तक हम सिर्फ विश्वास के आधार पर ही सभी बातों को मानते हैं। हमें यह बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन अध्ययन में नए तथ्य मिलेंगे रामायण का इतिहास बदल जाएगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजू ने अर्थव्यवस्था को लेकर जताई आशंका। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजू ने कहा कि अगले 6 महीने में बैंकों में फंसे कर्ज यानी एनपीए में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। समस्या को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कोविड-19 और उसके रोकथाम के लिए लॉकडाउन से कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनमें से कई कर्ज की किश्त लौटाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। काउंसिलिंग ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा आयोजित इंडिया पॉलिसी फोरम 2020 के एक सत्र में रघुराम राजू ने उक्त बातें कही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा है कि अगर हम वाकई में एनपीए के वास्तविक स्तर को पहचाने तो अगले महीने से गैर निष्पादित परिसंपत्ति का स्तर काफी अप्रत्याशित होने जा रहा है। समस्या यह है कि जिसे स्वीकार करेंगे और उसका बेहतर विकल्प निकालेंगे, क्योंकि हमें वाकई में समस्या से निपटने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी युवाओं को दी दो टूक नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस पर वर्चुअल संबोधन में सभी युवाओं को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के इस माहौल में विश्व संस्कृति के साथ ही काम का प्रकृति को भी बदल कर रख दिया गया है। अब बदलती हुई नित्य नूतन प्रौद्योगिकी ने उस पर प्रभाव पैदा किया है। आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि एलिमेंट कैसे रहा जाए। कोविड-19 के समय में तो यह सवाल और भी अहम हो गया है, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ। इस तरीके से रहने का मंत्र यही है कि सभी युवा स्किल, रीस्किल और अपस्किल को सीखना ना छोड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं को दो टूक नसीहत देते हुए आगे यह भी कहा कि अगर स्किल के प्रति युवाओं में आकर्षण नहीं है, कुछ नया सीखने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर सा जाता है, एक रुकावट सी महसूस होती है। चीनी कंपनी यूसी ब्राउजर ने भारत से अपना कारोबार समेटने का किया फैसला। सरकार के साथ जारी बातचीत के बाद भी कोई अंतिम निर्णय नहीं निकलने के बाद चीनी कंपनी यूसी ब्राउजर ने भारत में अपने कारोबार को समेटने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रबंधन की बैठक में उक्त फैसला सुनाया गया है। इससे पहले यूसी ब्राउजर की यूसी न्यूज को भारतीय ऑपरेशन को बंद करने की खबर सुनने में आई थी। अधिकारियों ने बताया कि भारत में स्थितियां चुनौतीपूर्ण बने रहने और भविष्य की अनिश्चितता बरकरार रहने से चलते प्रबंधन ने भारत में अपना कारोबार समेटने का फैसला लिया है। भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किए जाने के बाद से चीनी कंपनियां लगातार भारत सरकार से संपर्क में है, लेकिन इस बातचीत का अभी तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है और यही कारण है कि अब कारोबार को पूरी तरीके से समेटने का फैसला लिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए एचआरडी मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। कोविड-19 के इस माहौल में सभी छात्रों से घर पर रहकर ही पढ़ाई करने की नसीहत दी गई है। ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण की वजह से पढ़ाई को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उससे उबरने के लिए ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल एजुकेशन का सहारा लिया था, जिसके बाद से स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान में डिजिटल कक्षाएं शुरू करवाई गई थी और अब इन कक्षाओं के लिए मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इन निर्देशों में स्टूडेंट के लिए एक दिन में पढ़ने की अवधि तय की गई है। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नए गाइडलाइन के अनुसार 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी कक्षा की अवधि। इसके साथ ही कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक दोनों ही ऑनलाइन सेशन होंगे, जिसके बाद इस सेशन में 45 मिनट की कक्षाएं होंगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के 30 से 45 मिनट की अवधि के 4 सेशन लिए जाएंगे। एचआरडी मंत्रालय इस गाइडलाइन में ऑनलाइन क्लासेस के दौरान फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर ध्यान रखने का भी जोर दिया है। एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल में फास्टैग सेवा की होगी शुरुआत। टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलवाने के लिए सरकार ने सभी नेशनल हाईवेज पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद अब सरकार ने फास्टैग सेवा को शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट पर के पार्किंग में भी लागू करने की योजना बनाई है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन पार्किंग स्थानों पर फास्टैग सेवा के लिए देश के कुछ अग्रणी बैंकों से बात कर ली है, ताकि यहां पर भी फास्टैग सेवा को लागू किया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार यह सेवा पहले दिल्ली और मुंबई से शुरू होगी। मौजूदा समय में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कनेक्शन हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लागू है। यहां 10 बैंक द्वारा फास्टैग की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ICICI शुरुआती चरण में ही इन सेवाओं को शुरू करेगा। भारतीय टीम के पूर्व कोच ने विराट कोहली को दी थी नसीहत। भारतीय टीम के पूर्व कोच गैरी कस्टर ने विराट कोहली को दो टूक नसीहत दी थी, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि जब मैं विराट से पहली बार मिला तो मुझे उनसे बेहतरीन कौशल नजर आया था और वो नौजवान थे, लेकिन मुझे पता था कि वो अपने खेल को सही तरीके से नहीं खेल रहे हैं, इसलिए मैंने उनके साथ चर्चा की थी। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा जब हम श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे थे और विराट शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उस समय 30 रन पर नाबाद थे और तब उन्होंने फैसला लिया कि वो गेंदबाज के ऊपर से लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाएंगे, लेकिन वो आउट हो गए, जिसके बाद ही मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपने खेल को अलग स्तर में ले जाना है तो अपने गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ जमीनी शॉट लगाना शुरू करो। आपको
पता है कि अब गेंद पर हवा में शॉट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा परेशानी होती है। मुझे लगता है कि उन्होंने उसे थोड़ा समझा और कोलकाता में हुए अगले मैच में शतक लगाया था। भारत की सबसे बड़ी बैंक अब सभी कर्मियों को देगी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प। भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI अब अपने कर्मचारियों को घर पर काम करने की सुविधा मुहैया करवाने जा रहा है। बैंक का कहना है कि उसने यह फैसला COVID-19 के इस माहौल में लिया है ताकि वो अपने कर्मचारियों को COVID-19 के संक्रमण से बचा सके। स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने इस बाबत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि इसके लिए आधारभूत संरचना तैयार करेगा, इसीलिए अनुमानित लागत में 1,000 करोड़ रुपए की बचत होने की भी उम्मीद जताई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने बैंक की 65वीं वार्षिक आम बैठक पर उक्त बातें कही हैं। मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार रजनीश कुमार ने कहा कि SBI का पूरा ध्यान लागत कम करने और कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें प्रशासन कार्यालय से हटाकर बिक्री कार्यालय में तैनात करने पर होगा। राहुल गांधी ने सरकार को लिया एक बार फिर से आड़े हाथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को फिर से निशाने पर लेते हुए कहा है कि सरकार की नीतियों के कारण दुनिया में हमारा मान सम्मान कम हो गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र सरकार के पास इससे निपटने की कोई रणनीति फिलहाल मौजूद नहीं है। इसके तहत राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत की वैश्विक रणनीति गड़बड़ है, हमारी सरकार को सम्मान कम हो रहा है, इस बात का कुछ हता पता नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता है कि स्थिति से कैसे निकलना है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि चाबहार रेल परियोजना से पैसा देने में देरी होने का हवाला देते हुए ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत सरकार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने में कितनी सफल साबित हुई है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।